सर, यार आप सब जानते हो कि 13 को मेरी बर्थडे है, मेरी यानी पार्क जिमिन की। तो मैंने सोचा कि जिन जिन की बर्थडे मेरे बर्थडे मंथ में है तो उनको विश मैं खुद करूंगा। नाउ आई एम हियर टू विश यू, सो इट्स माय गर्ल्स बर्थडे। आई प्रपोज यू हैप्पी बर्थडे आर्मी, हैप्पी बर्थडे डियर इकरा एंड सोफिया गफूर। विश यू मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आई होप कि आपका ये साल और आने वाले सभी साल बहुत 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 अच्छे गुजरे। प्लीज गाइस विश देम हैप्पी बर्थडे इन कमेंट्स। Now it's BK's turn to wish them. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 생일축하합니다. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 생일축하합니다. 생일축하합니다. बर्थडे विश पसंद आया हो। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो, बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। यार आज संडे है पर मेरे डॉक्टर हस्बैंड को जरा होश नहीं है कि मैं घर पर बोर हो रहा हूँ, इन्हें मिस कर रहा हूँ। मेरे उठने से पहले गायब और मेरे सोने के बाद घर आना, एक मंथ से यही तो रूटीन चल रही है इनकी। आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। ओ हेलो आर्मी, आप भी सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, तो जस्ट गिव्स यू अ शॉर्ट इंट्रो। माय नेम इज जन जंगकुक, ओप्स किम जंगकुक, प्रोफेशनल फैशन डिजाइनर। शादी को 3 मंथ्स हो गए हैं पर अभी भी मैं अपना नाम जॉन बोल देता हूँ और अपने डेडली डेंजरस हस्बैंड का गुस्सा बेयर करना पड़ता है इसके बाद मुझे। जी आपने सही सुना, आई एम मैरिड। तो आप सब जिनकी गंदी नजर है ना मुझ पर, जरा साइड हो जाएं क्योंकि मेरा बंदा बड़ा ही पोजेसिव टाइप है। या माय हस्बैंड किम तेओंग बहुत स्वीट है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पर आजकल इनके पास इनकी रूटीन बहुत ज्यादा टफ है, वो हार्ट सर्जन है। पर आई ऑल्सो नीड हिज अटेंशन, तो आप लोग ही कोई मशवरा दो कि कैसे मैं अपने हस्बैंड की अटेंशन अपनी तरफ करूँ। हाय कुकी, आई एम योर ऑर्थो। तुमने कहा तुम्हारा हस्बैंड बहुत पोजेसिव है, तो क्यों ना तुम इसे जेलस फील करवाओ। वो नाइस आइडिया ऑर्थर, पर कैसे? सिंपल, इसके सामने किसी और मेल की तारीफ करके। पर वो तो घर ही नहीं आते, ऑर्थर भी ना नशे में लग रही है मुझे। ओहो कुकी, कॉल करो इसे। ओ अच्छा अच्छा, अब तुम जाओ, आगे मैं खुद सोच लूंगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बाय। यार वैसे सजेशन तो अच्छा दे गई है, पर बोलूं क्या, कुछ देर सोचने के बाद इसने तय को कॉल करने का सोचा। बेल जा रही थी और इधर इसकी हार्ट बीट तेज हो रही थी। एट हॉस्पिटल, वो अभी अभी एक सर्जरी से फ्री होकर अपने कैबिन में आया था जब इसका ध्यान फोन की वसूल बजती हुई बेल पर गया। कॉलर आईडी एक मूड एकदम फ्रेश हो गया था, इसने बिना वक्त जाया किए कॉल रिसीव की, क्योंकि मिस तो वो भी अपनी जान को बहुत कर रहा था। हेलो माय क्यूट बनी प्लस ब्यूटीफुल हबी, कैसे हो? ऐसे बुलाने पर जोंको के दिल ने एक बीट मिस की, पर इस वक्त बहकने का मतलब अपना प्लान खराब करना था, इसने बहुत संभल कर बोला। जान आप डॉक्टर जिमिन को जानते हैं? वो भी आप ही के हॉस्पिटल में काम करते हैं।
हाँ, ये इस बारे में क्यों पूछ रहा है? इसने सोचा फिर जवाब दिया, मैंने नाम सुना है पर वो हमारे यूनिट में नहीं है तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन तेयंग के आगे बोलने से पहले चंगुक बोला, ओह या आई नो ही इज आई स्पेशलिस्ट। या मे बी इस बार लहजा सख्त था। ते तुम्हें पता है इसकी आवाज बहुत ज्यादा प्यारी है, वो इतना अच्छा सिंगर है ना। हाँ तुम इसे कैसे जानते हो? कब मिले इसे? तुमने कब इसका सॉन्ग सुना? क्या तुम हॉस्पिटल आए थे? क्या तुम इसे कहीं बाहर मिले हो? हाँ? इसने एक ही सांस में से कई सवाल पूछ डाले थे। ताई कोई चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इसका कुकी इसके अलावा किसी और की तारीफ करे या किसी से बात करे। इसकी हरकत पर जंगू के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। ओ होते आराम से, मैं एक साथ इतने सारे सवालों का जवाब कैसे दूंगा? अच्छा जब तुम वापस आओगे हम इस बारे में तब बात करेंगे। और फोन कॉल कट कर दी। इसने एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। यार मजा आया, अब मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ तय का रिएक्शन देखने के लिए। पर डर भी लग रहा है अगर कुछ गलत हो गया तो। ओहो कुकी इतना ना सोच, नहीं होता कुछ। सोच तय का फेस, जेलस फेस। हाय काश अभी मैं फेस देख सकता तय का। जंकू कभी अपने ख्यालों में था जब डोरबेल की आवाज पर वो चौंक कर सीधा हुआ। इससे कौन हो सकता है, क्योंकि इनकी फैमिली और फ्रेंड्स को पता था इनकी बिजी शेड्यूल के बारे में, इसलिए हर कोई इन्हें कॉल करके घर आता था। ओहो दरवाजा तो खोल कुकी, ये कहते ही इसने उठकर दरवाजा खोला पर सामने तय को देखकर जंकू के रंग उड़े। कुकी ने सोचा भी नहीं था कि तय इतनी जल्दी घर वापस आ जाएगा। I wanted to talk to you, Jungkook. ये पहली बार था जब तयंग ने जंकू का पूरा नाम लिया था। क्या हुआ तय? तुम इसे कैसे जानते हो? हाँ? किसे? किसके बारे में बात कर रहे हो? डॉक्टर जिमिन, इसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला। डॉक्टर जिमिन है वो कौन है? इसने दिल में सोचा। यस आई वॉन्टेड टू टॉक ऑन दिस। जंकू की माइंड, अभी जिमिन कौन है? और था ओ फिर मुझे याद आया, जिमिन मेरी स्टोरी का इनविजिबल कैरेक्टर है। ओ सिली ऑर्थो, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तय लुक सो स्केरी, मैं सच में भूल गई थी। जंकू, तय की आवाज पर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ तय हम बात करते हैं, पहले तुम अंदर तो आ जाओ, ये सब इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? वो इसके सामने नॉर्मल बिहेव कर रहा था। इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि मेरी जान मेरे सामने किसी और की तारीफ करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी डीप वॉइस से जंगू की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। गल्प हार्ड, एक गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। ओहो तेते, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। आई जस्ट लव हिज वॉइस, जंकुक ने तय को टीज करने के लिए कहा।
What? वो बोला नहीं, धाड़ा था। क्या? क्या कहा तुमने? हम्म? अब जोंकू को डर भी लग रहा था, पर तय की शक्ल देखकर हंसी भी आ रही थी, इसलिए इसने ये प्रैंक कंटिन्यू करने का सोचा। I'm waiting for your answer, damn it! एक्चुअली मैं इससे हॉस्पिटल में मिला था। वो मेरे पास आया, इसने मुझे कहा कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और मेरी परमिशन मांगी कि वो मेरे लिए कोई गाना गा सकता है। इसकी स्माइल इतनी प्यारी थी कि मुझसे ना ही नहीं हुआ। फिर इसने अपनी मेलोडियस वॉइस में इतना प्यारा गाना गाया। जंगू की चलती जुबान को ब्रेक लगी जब तय गुस्से से धाड़ा। जंकुक, शट द हेल अप। तय की आंखों से शोले निकल रहे थे। तेहों को इतना गुस्से में देख जंकुक समझ गया था कि इसने सब मेस्ड अप कर दिया है। ते वो तुम्हारे साथ फ्लडिंग कर रहा था और तुम उसकी फ्लडिंग एंजॉय कर रहे थे। तुम्हारा दिल भर गया है मुझसे। मैं काफी ही हूँ तुम्हारे लिए, या कोई नया चाहिए? बोलो, जवाब दो। हाँ, वो इंतहाई गुस्से में था। जेलेसी इसके फेस से साफ जाहिर थी। ये सुनते ही जोंकू की आंखों में आंसू आ गए। वो बिना कुछ बोले तय के गले लग गया। जोंकू, छोड़ो मुझे। आई सेड लीव। पर जंगकुक ने और जोर से तय को हक किया। I'm sorry, my love, पर इसमें सारी गलती तुम्हारी है। तुम मुझे टाइम नहीं देते। इसने सोचा मुझे चीट किया जाए। हाँ, जंगकुक ने बगैर इसकी दूसरी बात सुने अपने होंठ के होठों पर रखे। पहले तय ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर जंगू के चार्म के आगे तय भी कुछ नहीं कर पाया और वो भी इसी पैशन से इसे किस करने लगा। After rough passionate kiss, they both hug each other. I love you, Kim Tae-yong. I really do. मैं तो बस तुम्हें चैलेंज फील करवाना चाहता था, इसलिए मैंने ये। स्टुपिड प्लान। हाँ, आई एम सॉरी माय लव। आई एम सॉरी टू। मेरी मसरूफियत की वजह से मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम ही दे पा रहा था। प्लीज दोबारा ऐसा कुछ मत करना। मेरा दिल इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ये दर्द बर्दाश्त कर सके। मैं तुम्हें ख्वाब में भी नहीं खो सकता। तुम मेरे जीने की वाहिद वजह हो किम जोंगकुक। प्लीज 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 हमेशा मेरे पास रहना। आई लव यू किम जोंगकुक। आई लव यू सो 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 मच।